ये गड्ढा हो गया इससे टायर से। नाना नमस्ते, ठीक है? अरे अबे थोड़ी देर पहले आज तो देखती हैं। अरे नाना बेर ला रखे हैं आज तोड़। गाइज़ गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम मेरा सभी को। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबके सब बढ़िया हो गए। मैं एकदम मस्त हूँ। आज हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं क्योंकि बादल हो रखे हैं और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो कल तो धूप निकली थी, आज बारिश होने लग गई। थोड़ा मॉर्निंग में घूमने आ रखी हूँ। थोड़ा घूमना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इसलिए घूमना चाहिए थोड़ा सुबह को। तो मेरी बहन भी घूमने आ रखी है, वो उधर घूम रही है, मैं इधर घूमने आ रखी हूँ। हाय हाय, कैसे? बढ़िया। नई साइकिल ले ली? हाँ नई साइकिल ली, आपको दिखाने आया था। मेरी मम्मी आई थी तो मैं आ गया दिखाने आपको। अच्छा, कहाँ आई थी आपकी मम्मी? मम्मी मौसी के हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। पार्टी? पार्टी जब बोलो जब ले लेना। चलो फिर पार्टी करने चल रहे हैं। चलो कहाँ पे? इसमें ही चल रहे होटल में। इसमें ही चल रहे। चलो फिर चल रहे हैं। ये भी आया तेरे साथ में? अच्छा। 12 hours later. So guys, देखो ये अपनी न्यू साइकिल का क्या हाल कर रहा है ये। खराब हो जाएगा उसका टायर? नहीं होगा। ये गड्ढा कर दिया उसने। मत कर। इसको गुस्सा आ रहा था कि बार बार ब्लॉग ला रही। चल फंस जाएगा टायर वैसे। तू मेरा फट गया। ऐसे फंस जाएगा सारे टायर बोलने लग गया। ये गड्ढा हो गया इससे टायर से, भयंकर वाला। ये वाली फिर डाल दो। अब इसको ढक रहे हैं। फिर साइकिल खराब हो जाएगी इसकी। देखो कह रहा है बार बार मत करो। ये देखो कितनी सतानी कर रहे हैं, पेड़ में चढ़ गया वो। गिर जाएगा, गिर ऊपर से। उसकी टहनी कच्ची है। देख टूट गई वो। उतर गया। अरे अरे सो गाइस, सागर हमको पार्टी कराने ले जा रहा है नई साइकिल की। कहाँ ले जा रहा है बता? क्या खिलाएगा वहाँ पे? ऐसे कर दे, बताओ। कुछ भी मुझे खाने में, कुछ भी पास है। चल ठीक है, जो खिलाएगा वो खा लेंगे हम तो। तो अभी हम पार्टी करने जा रहे हैं। सो गाइस, साइकिल हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और अभी हम जा रहे हैं। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं दुकान में और ये देखो पेटीज खा रहे हैं बच्चे। ये इसने दिए पार्टी। गाइस आप भी खाइए। इसके देखो ये कैसे खाने में लगा। कैसी लग रही है? अच्छी है। सो गाइस, इन दीदी की दुकान में आए हैं। दीदी आ जाओ। हाय गाइस, ये ड्रीम बेकरी शॉप है, यहाँ आइएगा जरूर। प्लीज़ ज़रूर आइए, ये बहुत अच्छी शॉप है। और यहाँ पे हम आए थे अभी, हम सब बच्चे आ रखे थे यहाँ पे। गाइस दुकान में देखो दीदी ने मछली पाल रखी है। कितनी सुंदर है। तो गाइस बारिश होने लगी और हम यहाँ पे खड़े हो गए अभी, क्योंकि घर नहीं जा सकते, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पता भी नहीं लाए हम, नहीं तो छाते में चले जाते, इतने सारे भी नहीं जा पाते, मगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो वो नहर भी आ रही है। आ गया भाई। गाइस हम भी वहाँ दुकान से आ गए और रास्ते में हम भीगने लगे, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो हम चॉकलेट खा लो। तो अभी यहाँ पे खड़े हो गए हैं और भाई हमें एक एक चॉकलेट दिला के गया है। इसने तो खा भी ली, मैंने नहीं खाई, मैं घर जाके खाऊंगी। मैंने भी नहीं खाई। तो अभी फिलहाल हम घर जा रहे हैं, बारिश कम होने वाली है। और ये कम नहीं, और तेज होगी।
ए भगवान, हम तीनों फंस गए आके। वो तो चले गए साइकिल से अपनी, भाग चले दोनों चले। सो गाइस, बारिश बहुत तेज होने लगी और अभी हम जा रहे हैं घर पे। घर पे जाके कपड़े चेंज कर लेंगे, भीगना तो है ही अब, क्योंकि बहुत देर हो गई है हमें खड़े खड़े यहाँ पे। आंटी के खाते में जा रही है। बारिश आ रही है ना? हाँ, बारिश हो गई। कहाँ जा रही है बारिश में? कहाँ जा रही है? ये देखो कैसे भाग रही है। मेरी दोस्त है वो, और वो भी फिर मदारा जा रही थी छाते में अपने, ना फेस भी नहीं दिखा रही थी वो। कह रही थी मैं ठीक नहीं दिखूंगी वीडियो में, तो इसलिए मेरे को मत दिखा, भाग गई वो। हम कितने बेवकूफ थे ना, छाता नहीं लाए, है ना यार। हमको पता था बारिश आने वाली है, फिर भी हम छाता नहीं लाए साथ में। उसके साथ में ऐसे ही आ गए हम। अब वो तो चले गए साइकिल से अपनी, और हम पैदल जा रहे हैं। सो गाइस, हम पिरुमदारा से आ गए हैं, और उस टाइम मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि आने के बाद में हम इतना भीग गए थे। जैकेट हल्की हल्की भीग गई थी, और बाल तो इतने भीग गए थे ना बहुत ही ज़्यादा, और मेरे भाई की भी जैकेट भी, उसकी तो बहुत भीग गई थी, क्योंकि मैं तो जा रही थी, इनको आने की हो रही थी, तो ये आगे आगे जा रहे थे। तो ये और मेरी बहन ज़्यादा भीगे, मैं तो भीगी नहीं, क्योंकि मैं तो जहाँ पे जगह मिल जा रही थी खड़े होने की, वहीं पे ही हो जा रही थी, क्योंकि मेरे को भीगना पसंद नहीं है ना ज़्यादा, तो तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा भीगने से। और ये दोनों तो भाई इतने ही आगे भाग रहे थे ना दोनों, बोले थे हम घर, इनके वजह से मुझे भी इनके पीछे आना पड़ा भागते भागते, तो मैं भी हल्का फुल्का भीगी गई थी। तो वो बोल रहा था, दीदी आप यहाँ पे खड़े होके करोगी क्या, आप ऐसा करो रुक रुक के चले जाना, जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे खड़े होके चले जाना, क्योंकि हम तो फिलहाल घर जा रहे हैं, और आप यहाँ पे अकेले रह जाओगे और फिर आपकी मम्मी डांट मारेंगी, बोलेंगी कि उनको अकेला छोड़ दिया और खुद चले गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, आप घर चले जाओ। तो फिर वो घर चले गए और हम तीनों फिर इधर से आ गए। सो गाइज, मैं भी जा रही हूँ मम्मी के पास में, क्योंकि मम्मी घास काटने जा रखी है। मेरी बहन आई थी मम्मी के साथ में, गई थी वो, तो मुझे बुलाने आई है, घास लेने जा रही हूँ अभी मैं। 12 hours later. नाना नमस्ते। ठीक हो? अरे अबे थोड़ी देर पहले आज तो देखती हैं। अरे नाना बेर ला रखे हैं आज तोड़ के। अच्छा। और नानी कहाँ है? बगीचे में। अच्छा। और मौसी? मौसी? अच्छा। तो क्या खा रही है? चाय पी रही है? मंडी में देने जा रहे हैं ये। फाइनली हम घर पे पहुंच गए अपने। रास्ते में नाना मिले थे, तो मैंने उनसे बोला नाना इतने सारे बेर कहाँ से लाए, तो नाना बोले थे कि ये बेर मैं बेचने के लिए लाया हूँ। तो वो मंडी में जा रहे थे, इतने बहुत सारे कट्टे थे वहाँ पे, मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि अच्छा नहीं रहता ना यार, वो बोलते कि कैसे दिखाने में लगी पड़ी है ये। तो अच्छे हैं नाना, वो बोले थे खाने तो ले ले, फिर बोले थे ले 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 ले, मैंने मना कर दिया उनसे, मैंने बोला मैं वीडियो बनाने आ रखी हूँ खाली, और बेर खाने से खांसी हो जाती है, और मेरे को अभी हल्की हल्की खांसी है, इसलिए नहीं लिए मैंने, नहीं तो मैं ले लेती उनसे। तो फिलहाल बहुत सारे बेर थे यार, खाने का तो मन कर रहा था मगर मैंने लिए नहीं यार, खांसी, फिर मेरी आवाज़ भी ख़राब हो जाती, फिर मैं ब्लॉग कैसे बनाती, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। तो मुझे खाने होंगे ना कभी, तो मैं ले आऊँगी नाना से, अभी नहीं फ़िलहाल, अभी ठंड भी हो रही है, ठंड में गला ख़राब हो जाता है। आज बहुत ठंड हो गई यार बारिश होने के बाद में, तो फिलहाल अभी बारिश बंद हो चुकी है। ये देखो मेरा भाई क्या कर रहा है पीछे, क्या कर रहा है ये डंडे से, हैं चोट लग जाएगी खाली मिली की, उसे लकड़ी में मारने में लगा है। 12 hours later. मम्मी के पास में भी गई थी घास लेने, देखा कि मम्मी मौसी के घर पे हैं, और जब हम वहाँ बगीचे में गए थे जहाँ पे मम्मी बता के गई कि मैं वहाँ जा रही हूँ घास लेने, तो हम वहाँ पे गए तो मम्मी वहाँ पे नहीं थी, फ़ोन करके कह रही हैं कि मैं मौसी के घर पे हूँ, फिर मैं मौसी के घर पे गई, तो फिलहाल जब देखा तो मौसी के घर पे बैठी हुई थी मम्मी, चाय पी रही थी। तो मैंने बोला घास, बोला मम्मी घास नहीं काटी, तो मम्मी बोल रही है बगीचे में घास है ही नहीं, अंदर भी क्या करें, बारिश हो रही थी तब भी अंदर ही थे, अब बारिश रुक गई है तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर ही घूम लेते हैं। तो फिलहाल अभी मम्मी अंदर है और मैं बाहर घूम रही हूँ, हवा चल रही है, ये देखो कितनी तेज़ से पेड़ हिल रहे हैं, पीछे ये वो देखो कितनी तेज़ी से हवा, बहुत तेज़ हवा चल रही है पीछे, बहुत तेज़ पेड़ हिल रहा है वो, ठक 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 ठक, मज़ा आता है यार बाहर घूमने में, तो बाहर ही घूम रही हूँ मैं अभी। तो मौसी के घर से तो घूम के आ गए हैं, और फिलहाल अभी अपने घर पे हैं, अभी अपने घर पे घूम रहे हैं।
पता है ऐसी हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी और हमारा जो पपीते का पेड़ है ना वो टूट गया था पूरा। इतने मोटे मोटे पपीते आते थे उसमें, बहुत मोटे आते थे, ऐसी बहुत तेज हवा चल रही थी और उससे हवा से पूरा गिर गया वो और जड़ से ही पूरा मतलब ख़राब हो गया। कच्चे थे तो भूसे में रखे थे हमने पपीते, तो वो पपीते सड़ गए भूसे में रख के। ये इतनी ठंडी हवा, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है यार। तो अभी मैं अंदर जाती हूँ, बहुत तेज़ ठंड लग रही है यार। सो गाइज, मैं इस ब्लॉग का एंड ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं काम करने लगी थी। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।